स्पॉन्सर्ड बाय चेतन क्लिनिक। विवाहित जीवन बिताएं खुशियों के संग, पाए नई शक्ति, जोश, जवानी व उमंग। चेतन क्लिनिक के संग दरियागंज और बदरपुर नई दिल्ली। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9810089168। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों का। चीन के पूर्वी प्रांत झेजियांग के तट के पास दो समुद्री जहाजों के बीच टक्कर होने की घटना सामने आई है जिसमें 12 लोग लापता हो गए हैं। पर्याप्त जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त जहाज में 14 लोग सवार थे जिसमें से अब तक सिर्फ 2 लोगों को ही बचाया जा सका है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थ्रेसा मे ने यूरोपीय संघ के साथ होने वाले बदलाव पर अपनी सहमति जताते हुए कहा कि 29 मार्च को ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो रहा है। ऐसे में विकल्प स्पष्ट है, या तो ये समझौता होगा या फिर ब्रेग्जिट नहीं होगा। भाजपा को मात देने के लिए महागठबंधन बनाने में जुटी कांग्रेस को एक और तगड़ा झटका देते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि कांग्रेसी नेताओं के एक के बाद एक पार्टी छोड़ने के कारण कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है और इसी वजह से अब किसी भी राज्य में बीएसपी का कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस के CWC की बैठक गुजरात के अहमदाबाद में चल रहा है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कांग्रेसी नेता सुजय विखे पाटिल ने पार्टी को बड़ा झटका देते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है जिससे कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के बैन को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ पटाखों से ही वातावरण प्रदूषित नहीं होता है, इसके बजाय ऑटोमोबाइल से कहीं ज्यादा प्रदूषण होता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पटाखों और ऑटोमोबाइल्स द्वारा होने वाले प्रदूषण पर एक तुलनात्मक अध्ययन करने को भी कहा है। होली के मौके पर रेलवे की तरफ से लोगों को त्योहार पर घर पहुंचाने के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है जिसके तहत दिल्ली से 4 नई ट्रेनें चलाई जा रही है जिसमें से कुछ ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है जबकि कुछ ट्रेनों को सिस्टम में फीड किया जा रहा है। आपको बता दें कि होली के मौके पर दिल्ली से बरौनी, पुणे, कामाख्या और पटना के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेगी। लोकसभा चुनाव से एन पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए TMC सांसद अनुपम हजारा ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है जिससे TMC को बड़ा झटका लगा है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को कसोटते हुए कहा कि वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था खराब बताया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने GST और नोटबंदी के फैसले को भी गलत बताया जबकि पूरे दुनिया के महान अर्थशास्त्री भारत के अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में मनमोहन सिंह का ऐसा बयान देना, उन पर कांग्रेस पार्टी का दबाव होना सामने दिख रहा है। UPA की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी खुद को पीड़ित बताने का प्रयास करते हैं जबकि उनके वजह से देश की जनता पिछले 5 सालों से पीड़ित है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना एक छोटे युद्ध से करते हुए RSS पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस लड़ाई में RSS और उनकी विचारधाराओं को हराने के लिए कोई बलिदान की जरूरत नहीं है। यूपी के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने लोकसभा चुनाव से पहले अपना टिकट कटने की संभावनाओं के बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र पांडे को पत्र लिखकर धमकी दिया है कि अगर उनकी टिकट काटी गई तो BJP इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता केशव नायक ने मोदी सरकार को घोटालों और जुमलों की सरकार बताते हुए कहा कि राफेल डील के दस्तावेज चोरी हो गए जिसका प्रमाण है कि मोदी सरकार ने इसमें 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। हरियाणा में इनेलो बसपा गठबंधन टूटने के बाद बीते दिनों इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोरा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच मुलाकात हुई है जिसके बाद से इस बात का हलचल शुरू हो गई है कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा इनेलो में गठबंधन हो सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो उसमें देश की जनता इस बात का संदेश देगी कि हम गरीब सरल स्वभाव के हैं लेकिन मूर्ख नहीं हैं।
मुश्किलों में घिरी रिलायंस कम्युनिकेशन द्वारा स्वीडन की इरिक्सन का 453 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने के लिए कंपनी का इनकम टैक्स रिफंड हासिल करने की कोशिशों को तगड़ा झटका देते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इनकार कर दिया है। हरियाणा के लोगों पर किए गए शोध के जरिए रोहतक स्थित पीजीआई के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि असंतुलित खानपान और अधिक धूम्रपान करने के कारण हरियाणा में 18 से 45 साल तक के युवाओं की हड्डी तेजी से कमजोर हो रही है। पूरा लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस पुरुष और महिलाओं के लिए 53 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसके लिए योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.tripura.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ रांची में खेले गए तीसरे वनडे में आर्मी कैप पहनने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपत्ति जताते हुए इसकी शिकायत आईसीसी से की थी, जिस पर भारतीय टीम के गेंदबाज और कोच भारत अरुण ने कहा कि टीम को जो सही लगा उसने वही किया और टीम ने यह कदम सेना के सम्मान में लिया है। रमजान के महीने में चुनाव की तारीखों पर छिड़ी बहस के बीच गीतकार जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया के जरिए अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि रमजान और चुनाव के बारे में हो रही बहस घिनौनी है और चुनाव को रमजान से जोड़ना ठीक नहीं है, ये धर्मनिरपेक्षता का एक विकृत संस्करण है। हॉलीवुड के फेमस सिंगर जस्टिन बीबर इन दिनों डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और इस संबंध में डिप्रेशन से अपनी लड़ाई के बारे में बात करते हुए जस्टिन बीबर ने खुलासा किया है कि वो पूरी दुनिया से अजीब सा महसूस कर रहे हैं। 100 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है कीड़े जैसा दिखने वाला रोबोट, रफ्तार हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपने सिर्फ फिल्मों में ही ऐसे रोबोट देखे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि फ्रेंच एरोनॉटिकल इंजीनियर एडविन वैन रॉबेब ने कीड़े जैसा दिखने वाला रोबोट मेटाफ्लाई बनाया है, जो हूबहू असल उड़ने वाले कीड़े की तरह दिखता है। ये खास सिंथेटिक प्रक्रिया बायोमेट्रिक से हवा में उड़ता है, जो बिल्कुल प्राकृतिक होने का एहसास कराता है। मेटाफ्लाई हवा में तेज और धीमी रफ्तार में उड़ान भरने में सक्षम है। का वजन सिर्फ 10 ग्राम है। इसकी लंबाई सिर्फ 7.5 इंच है, जो पंख फैलाने के बाद 11 से 11.5 इंच चौड़ा हो जाता है। मोबाइल ऐप से कंट्रोल होने वाला स्मार्ट फैन भारत में लॉन्च होने जा रहा है, 20 मार्च से होगी बिक्री। जी हाँ दोस्तों, कीमत होगी 3,999 रुपए। आपको बता दें कि होम सॉल्यूशन ब्रांड ऑटोमेट ने भारत में अपना स्मार्ट फैन लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 3,999 रुपए रखी गई है। साथ ही आपको बता दें कि इसको मोबाइल ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है। कंपनी ने इसके साथ स्मार्ट रेडी फैन को भी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है। दुनिया की सबसे महंगी कार के लिए देना होगा 45 करोड़ रुपए का टैक्स, कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रांस की सुपर स्पोर्ट लग्जरी कार निर्माता कंपनी बुगाटी ने दुनिया की सबसे तेज बुगाटी लावेटर न्योर कार को पेश किया है। इस कार को दुनिया की सबसे महंगी कार बताया जा रहा है। कंपनी ने इसकी कीमत 133 करोड़ रुपए रखी है। इतना ही नहीं, महंगी लग्जरी कार खरीदने के शौकीन इस कार को खरीद रहे हैं। इस कार को सबसे पहले 2019 में जिनेवा मोटर शो में पेश किया गया है। इस कार में करीब 45 करोड़ रुपए का टैक्स भी शामिल है। काफी अरसे बाद फिर एक ऐसा मौका आया जब भारतीय बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड फिल्म गदर मचा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुपर हीरो फिल्म कैप्टन मार्वल ने रिलीज के 2 दिनों में ही बॉलीवुड के छक्के छुड़ा दिए हैं। सिर्फ कैप्टन मार्वल ऐसी फिल्म है जिसने इस वीकेंड में हर दिन डबल डिजिट में कमाई की है। कैप्टन मार्वल को लेकर भारतीय दर्शकों के बीच भी काफी हाइप थी और इसी वजह से 8 मार्च को वुमेन्स डे पर जब ये फिल्म सिनेमा घरों में उतरी तो दर्शक टूट पड़े। फिल्म ने पहले दिन 13 करोड़ रुपए का कलेक्शन इकट्ठा किया। कैप्टन मार्वल रिलीज के 2 दिनों में लगभग 27 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। जाहिर है कि इस रफ्तार से फिल्म ओपनिंग वीकेंड में 40 करोड़ के आसपास रकम जमा कर लेगी। 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में वोटिंग, नतीजे आएंगे 23 मई को। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने लोकसभा और 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को वोटिंग होगी। 23 मई को नतीजे आएंगे। 3 जून तक नई लोकसभा का गठन हो जाएगा। 8 महीने में पहली बार नजर आए इरफान खान, कैंसर का अभी भी चल रहा है इलाज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इरफान खान कुछ समय पहले लंदन से इलाज कराने के बाद अब भारत में आए थे, लेकिन उनका इलाज अभी भी चल रहा है। इसी बीच वो 8 महीने में पहली बार कैमरे की नजरों में आए। वो एयरपोर्ट पर दिखे और उन्होंने अपना मुंह ढका हुआ था। जब मीडिया ने उनसे बात करने के लिए कहा तो उन्होंने अभी इनकार कर दिया।
कम रोशनी में आंखों को तकलीफ से बचाएगा फेसबुक का डार्क मोड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक ने अपने मैसेजिंग ऐप में डार्क मोड फीचर ऐड किया है। ये फीचर रात के अंधेरे में या कम रोशनी में फोन की तीखी ब्लू लाइट से आंखों को बचाव कराता है। ये फीचर ISO और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। डार्क मोड फीचर को ऑन करने के लिए यूजर्स को मैसेंजर का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद किसी भी कॉन्टेक्ट पर जाकर मून इमोजी भेजने से ये फीचर एक्टिव हो जाएगा। पाकिस्तान में किए गए एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर किए गए एक सर्वे के जरिए दावा किया गया है कि देश की 51% जनता मानती है कि वह केंद्र सरकार के काम से बहुत संतुष्ट है, जबकि 1 जनवरी को यही संख्या 36% थी। पुलवामा की घटना के लिए जिम्मेदार जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मसूद अजहर जी बोला है, जिसके बाद अब राहुल के इस बयान पर भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि देश के 44 वीर जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार जैश सरगना के लिए राहुल गांधी के मन में इतना सम्मान। लोकसभा चुनाव से पहले NDA और विपक्ष की मजबूती को लेकर राजनीतिक जानकारों ने दावा किया है कि गठबंधन के मामले में भाजपा नीत NDA वर्तमान में वहां गठबंधन के 2 कदम आगे चल रही है, क्योंकि जहां विपक्ष अभी सीट शेयरिंग के मुद्दे में उलझा हुआ है, वहीं NDA ने सभी को संतुष्ट कर लिया है। बिहार महागठबंधन में कांग्रेस की महत्वाकांक्षा और नखरे से तंग राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने सीटों के तालमेल और आखिरी दौर की बातचीत के लिए उसे 3-4 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए साफ कहा कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस हवा में दावा करने के बजाय क्षेत्रीय दलों का सम्मान करते हुए हैसियत के हिसाब से बात करे। लोकसभा इलेक्शंस 2019 में BJP के आंतरिक सर्वे में ये बात सामने आई है कि कुछ सांसदों के प्रति जनता में नाराजगी है, जिसके चलते उनके टिकट काटे जा सकते हैं और अब पार्टी इन सांसदों की जगह योगी सरकार के मंत्रियों को चुनाव लड़ा सकती है। कश्मीर की अनंतनाग संसदीय सीट चुनाव कराए जाने पर फंसे पेंच के बाद केंद्र सरकार ने साफ किया कि इस सीट पर चुनाव 3 चरणों में 23 अप्रैल 29 अप्रैल और 6 मई को होंगे। आपको बता दें कि अनंतनाग देश की एकमात्र ऐसी सीट है जहां चुनाव 3 चरणों में संपन्न कराया जाएगा, क्योंकि यह सीट सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील मानी जाती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर अरविंद केजरीवाल पर उनके ही पुराने साथी कुमार विश्वास ने निशाना साधते हुए उन्हें आत्ममुग्ध बौना करार दिया है और कहा कि जमानत जब्त होने के डर से आत्ममुग्ध बौने ने चुनाव घोषणा के दिन ही अमानत छोड़ दिया। भाजपा का सुरक्षित गढ़ माने जाने वाली पंजाब के अमृतसर लोकसभा सीट पर भाजपा को मात देने के लिए कांग्रेस पूर्व PM मनमोहन सिंह को अमृतसर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाने जा रही है, जिसके बाद अब भाजपा ने दोबारा से BJP अपने पैनल लिस्ट को रिव्यू करना शुरू कर दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव घटते ही बीते 1 महीने से बंद पड़ी टमाटर की सप्लाई फिर से शुरू हो गई है। हालांकि आम रूट अब बंद होने से ट्रेडर्स को यह महंगा पड़ रहा है और अब भी सिर्फ श्रीनगर मुजफ्फराबाद मार्ग से ही माल जा रहा है, जिसका ढुलाई खर्च अटारी रूट के मुकाबले 2-4 गुना तक बढ़ गया है। युद्ध जैसी परिस्थितियों में गंभीर रूप से घायल सुरक्षा कर्मियों का जीवन बचाने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के चिकित्सीय प्रयोगशाला ने कॉम्बैट कैजुअलिटी ड्रग्स का इर्जाद किया है, जो घायल जवानों को अस्पताल में पहुंचाए जाने से पहले तक के बेहद नाजुक समय को बढ़ाने में मददगार होगा। कश्मीर में उग्रवाद की राह पर जाने वालों पर लगाम लगाने के लिए रोकने के लिए सेना की रणनीति के तहत सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट के साथ ही यहां उग्रवादियों के जनाजे पर जमा होने वाली भीड़ को कम करने और उनमें उनके साथियों की भाषणबाजी पर लगाम लगा दिया है, जिसका असर यह हो रहा है कि घाटी में उग्रवादियों का रिक्रूटमेंट कम हो गया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक 58 साल बाद आज गुजरात के गांधीनगर में हो रही है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल, पूर्व PM मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व कई दिग्गज कांग्रेसी नेता शामिल हुए हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज मौलवी उमर फारूक NIA के नोटिस के बावजूद जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए और लिखित में अपना पक्ष भेज दिया है, जिस पर सूत्रों ने दावा किया है कि मीर वाइज फारूक को गिरफ्तारी का डर सता रहा है।
लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही रोजगार को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके तहत कांग्रेस कौशल विकास केंद्रों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर जोर दे रही है, तो भाजपा विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना तैयार कर रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और लोकसभा प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के लिए ईवीएम मशीनों को और अपग्रेड किया गया है। खास बात तो यह है कि इस बार ईवीएम पर सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ उनकी तस्वीर भी होगी और इसके साथ ही ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन भी लगी रहेंगी। हथियारों की वैश्विक स्तर पर खरीद के मामले में दुनिया में नंबर वन रहे भारत को पीछे छोड़कर अब सऊदी अरब शीर्ष पर काबिज हो गया है, जिसको लेकर जारी ताजा रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि एक दशक में युद्धक सामग्री खरीद के मामले में भारत ने पहला स्थान गंवा दिया है। राज ठाकरे की अगुवाई वाली मनसे के इकलौते विधायक शरद सोनेवाल ने राज ठाकरे को तगड़ा झटका देते हुए वापस शिवसेना ज्वाइन कर लिया है। आपको बता दें कि पुणे की जुन्नार सीट से विधायक सोनेवाल ने 2014 के विधानसभा चुनाव में मनसे के टिकट पर जीतने वाले एकमात्र प्रत्याशी थे। तमिलनाडु में फैले भ्रष्टाचार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि भ्रष्टाचार कैंसर की तरह फैल रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य के सतर्कता अधिकारियों से उन सभी तालुक कार्यालयों में छापे मारने को कहा है जहां पर कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जैसे हर दस्तावेज को जारी करने के लिए रिश्वत मांगी जाती है। नकदी संकट से जूझ रही देश की विमानन कंपनी जेट एयरवेज में खाड़ी की प्रमुख विमानन कंपनी एतिहाद 1600 से 1900 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है, जिस पर प्रस्तावित सौदे के तहत अगर एतिहाद की ओर से जेट एयरवेज में निवेश किया जाता है तो नरेश गोयल को घरेलू विमानन कंपनी के चेयरमैन पद से इस्तीफा देना होगा। लोकसभा इलेक्शन 2019 में हिमाचल प्रदेश में भाजपा को घेरने के लिए कांग्रेस बीजेपी पर 30 सवालों से वार करने के लिए तैयार कर रही है, जिसके लिए कांग्रेस ने 30 आरोपों के साथ जन चेतना यात्रा करने का खाका तैयार किया है, जो कि प्रदेश के चारों लोकसभा क्षेत्रों में शिमला, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर में यह यात्रा होगी। पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हार्दिक आज गांधीनगर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। वीवीआईपी चॉपर घोटाले के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से ईडी आगे की पूछताछ करना चाहता है और बताया जा रहा है कि ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है और आपको बता दें कि इस मामले पर अब अगली सुनवाई आज होने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बस सेवा की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश के लोगों के संबंध आत्मीयता और पारिवारिक भावनाओं से परिपूर्ण हैं और दोनों देशों के बीच सहयोग परियोजनाएं दर्शाती हैं कि भारत बांग्लादेश संबंध दोनों देशों की जनता के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं। ओडिशा के बालासोर तट पर भारत ने लंबी मारक क्षमता वाले दो रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। आपको बता दें कि ये रॉकेट पिनाका निर्देशित विस्तारित सीमा तकनीक से लैस है। बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने चेन्नई की एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है और बताया जा रहा है कि इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत ईडी ने चेन्नई स्थित जायलॉग सिस्टम लिमिटेड की कुल 31 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। महंगी कार और ज्वेलरी खरीदना हो सकता है सस्ता, जीएसटी कैलकुलेशन में टीसीएस को रखा जाएगा अलग। जी हां दोस्तों, महंगी कारों और ज्वेलरी के शौकीनों के लिए एक राहत भरी खबर। सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स एंड कॉस्ट्यूम बोर्ड सीबीआईसी का कहना है कि जीएसटी देनदारी की कैलकुलेशन के दौरान टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी टीसीएस की राशि के उत्पाद को मूल्य से अलग रखा जाएगा। सीबीआईसी के मुताबिक जीएसटी देयता की कैलकुलेशन करते समय टीसीएस राशि को वस्तु के मूल्य से अलग रखा जाएगा। क्या आप भी बनाते हैं टिकटॉक वीडियो? कंपनी कर रही है कुछ यूजर्स का अकाउंट डिलीट। टिकटॉक पर आरोप लगाया है कि ये ऐप चाइल्ड विवादित वीडियो को बढ़ावा देती है। इन सब से निपटने के लिए कंपनी ने कुछ यूजर्स के अकाउंट और कुछ वीडियो डिलीट करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ टिकटॉक यूजर्स ने दावा किया है कि उनके अकाउंट को बंद कर दिया गया है। टिकटॉक ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किए हैं। इसके तहत 13 वर्ष से कम आयु के यूजर्स के अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। इसी के चलते टिकटॉक यूजर से उनके उम्र की जानकारी भी ले रहा है। रेलवे देने जा रहा है एक और बड़ी भर्ती की सौगात। आएंगी 1 लाख भर्तियां, जहां
हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि RRC लेवल 1 आवेदन प्रक्रिया संबंधित जानकारी RRC की आधिकारिक वेबसाइट पर 12 मार्च 2019 मंगलवार से उपलब्ध हो जाएगी। भारत के विभिन्न हिस्सों में 18 रेलवे भर्ती सेल स्थित हैं, जिनके लिए ये भर्ती निकाली जाएगी। उम्मीदवार RRC की ऑफिशियल साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और इसकी ज्यादा जानकारी के लिए भी आप ऑफिशियल साइट पर जाकर क्लिक करें। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।